अराउंड 10-12 हो गए होंगे। 10-12 शॉट्स ले लिए, फिर भी कितना कम आया विटामिन डी। यही मैं सबको बताती हूँ कि उससे पूरा ही नहीं होता, एब्जॉर्ब नहीं होता। इंजेक्शन लगवाओ, उसके बाद देखना। इंजेक्शन से सब बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है जो मैं देख रही हूँ। और जो हाँ शॉर्ट्स दे देते हैं कि इंजेक्शन का काम नहीं है, उसमें एक आराम है, लेकिन जब फ़ायदा ही नहीं हो रहा तो फ़ायदा क्या लेने का, है ना। हस्बैंड के भी लगवाओ, अपने भी, मम्मी के भी, अड़ोसी पड़ोसी सबको कमी हो रही है, सब सफ़र कर रहे हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी। ये इंजेक्शन जैसे बाकी लगते हैं, टिटनेस का लगता है, ऐसे ये हर साल चाहिए और 6 महीने चलता है। इंजेक्शन भी जो लिखा 1 साल का है, चलता 6 महीने ही है। और धूप में कमर को धूप लगनी भी चाहिए। अगर नहीं होते इंजेक्शन हमारे पास तो डेली 20 मिनट धूप में रखते हैं आपको, और वो भी कम सर्दियों वाले कपड़े नहीं, गर्मियों वाले कपड़े पहन के। ओके मैम, बाकी ये लगवा के फिर कैपगोलिन तो खा ही रहे हो आप, हैं खा रहे हो नहीं खा रहे? स्मोकिंग कर रहे हैं? अभी नहीं करनी प्रेगनेंसी। स्मोकिंग करते हैं? स्मोकिंग करते हैं आपके हस्बैंड? नहीं मैम, नहीं करते। अच्छा ठीक है, ड्रिंकिंग बंद कर देंगे ना, वो तो आसान है बंद करना, ठीक है। और एक कैपगोलिन है, day 1, day 7, day 14 खानी है। जैसी मेंसेस आते हैं वो day 1 कहलाता है ना, मालूम है? जिस दिन पीरियड्स आते हैं वो day 1 होता है। हाँ, उसके बाद day 11, 14 पे एग बनता है। ओके। और थायराइड तुम्हारा बॉर्डरलाइन आया, इसको दोबारा कराना, FT4 TSH और NT-TPO। फर्स्ट टाइम जब कराते हैं तो NT-TPO भी कराते हैं, एक ब्लड शुगर कराना है। HB तो ठीक ही लग रहा है, ठीक है, ये तो ठीक है, सब लिख के भेजेंगे। हाँ हाँ जी, हाँ जी, प्रिस्क्रिप्शन। हाँ बस ये मैंने, हाँ जी, प्रिस्क्रिप्शन आपको व्हाट्सएप कर दी जाएगी, ठीक है। हमीरपुर रहते हैं।